चमक रहा है जहाँ में वो मेरे फन की तरह, चमक रहा है जहाँ में वो मेरे फन की तरह, नहीं है कोई भी वतन मेरे वतन की तरह, नहीं है कोई भी वतन मेरे वतन की तरह। आज मैं जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने लगी हूँ वो है हम सब का पाकिस्तान, मेरा वतन जो कि फूल और चांद है, इसकी ज़मीन जिसके खेतों की मट्टी में लानो यमन पिन्हा है, जिसके शहरों पर कुरान का साया है, जिसकी सरहदों पर ईमान का पहरा है, मेरे वतन के फौजी जुर्रतों के निशान हैं। सूबे पाकिस्तान का मकसद एक ऐसे आज़ाद मुल्क है जहाँ इस्लामी तालीमात के मुताबिक माशरे की तामीर हो सके, जहाँ हर शहरी अल्लाह और उसके रसूल का वफादार हो, जहाँ इखलाकी इकदार को बाला दस्ती हासिल हो, जहाँ मर्द और औरत की आबरू महफूज हो, जहाँ कानून की हाकमियत हो। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब इन मकासद को मद्देनजर रखते हुए मैं पाकिस्तान की नस सदी से ज़्यादा तारीख देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। इस माशरे में पाई जाने वाली बेचैनी और इसतराबी कैफियत पर बेहद दुख होता है। तहरीक पाकिस्तान का वो जज्बा, वो मकसद और इस्तेहकाम पाकिस्तान की वो कोशिशें मुझे मफकूर दिखाई देती हैं। हमारी गुज़िश्ता ज़िंदगी में होने वाले वाक़ियात फरेबकारी साजिशों और खुदगर्ज़ियों की तवील दास्तान है और इसकी असल वजह इस्लाम से रुख गर्दानी है। किरदार की गाज़ी तो बन न सके, मुख्तार के गाज़ी बन गए। और यही वजह है गवादी हमने इस्लाम से मिराज पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। मौलवी सामीन, मुझे ये लगता है कि आज के बुलंद बाला ऐमानों में बैठने वाले हुक्मरानों से कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि इस मुल्क में बसने वाले पाकिस्तानियों को आपने क्या दिया। आज हमारे मुल्क की बेटियों की इज्जत और अजमत तार तार है, आज कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर क्या ये है हम सबका पाकिस्तान? मगर अफसोस के साथ हमारे पाकिस्तान को जलाया जा रहा है, हमारी मस्जिद हमारी इमाम बारगाहों को जलाया जा रहा है। आज इस मुल्क में बसने वाले दहशतगर्द नारा तकबीर का नारा बुलंद करके हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। मैं जब भी ये हालात देखती हूँ जिंदगी को बहुत परेशान देखती हूँ तुम अहले पाओ खून तुम्हारे हाथों में खंजर तेज धार देखती हूँ। ये जो छींटे हैं ना ये बेगुनाहों के लहू के हैं। अरे तुम्हारे दामन पर भी इनके निशान देखती हूँ।